सॉरी, क्या मैं आपको पहचानता हूँ? पहचान पहचान तो मैंने अपने काम की है, अपने आप की है, अपने हुनर की है। काम तो आपका ठीक है, पर पेमेंट थोड़ा ज़्यादा है। सर, आपने जो डिमांड की है उसके हिसाब से रेट बिल्कुल सही है। काम तो इनका ठीक है पापा, बट पेमेंट की बात आप अपने हिसाब से कर लेना। सर, आप ट्रस्ट करिए सर, जो मैंने रेट बताया वो वाजिब है सर। ठीक है, आपका नंबर छोड़ जाइए, बात करते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। पापा, ये कौन था? बेटा, आपकी बहन की शादी के लिए फोटोग्राफर भी तो करना है। फोटोग्राफर बुलाया था मैंने। अरे पापा, मेरी एक फोटोग्राफर से बात हो गई है। हमारा काम बहुत ही सस्ते में करेगा, आप कहो तो बुला लूं। ऐसा? फिर तो बुला ले। नमस्ते अंकल। हाँ भैया, काम तो आपका ठीक है, अब पेमेंट की बात कर लें। अरे अंकल, दीपक भैया से मेरी पहले ही बात हो चुकी है। पहले जो फोटोग्राफर आया था ना, उससे मैं आधे रेट में काम करके दूंगा। यूं समझ लो कि घर की ही बात है। ठीक है भाई, ये काम आपको दिया है। देखो, बहुत बढ़िया, नाइस। ये रखो। क्या क्रिएटिविटी करते हैं? अरे तेरे भाई ने कमाल कर दिया कल। ऐसा क्या कमाल कर दिया तुमने? एक पार्टी के यहाँ अपने पहले कोई फोटोग्राफर गया होगा, बस उसका काम अपन ने आधे में कर दिया। बस पार्टी ने बोला कि भाई काम तुम्हारा, खुश हो गए वो अपने काम से। हाय राज। अरे रोहन, हाय। और कैसा है? बस बढ़िया। हाँ बैठना। और बता, बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे तेरे। क्या करूँ यार बॉस, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, घर के रेनोवेशन का काम चल रहा है। चलना, तेरे पास टाइम हो तो देख कर आते हैं। नहीं यार भाई, काम बहुत है अभी। चलना यार, इसी बहाने कोई गपशप हो जाएगी। दोस्त, ये है मेरा घर। यहाँ पर टीवी होगी, यहाँ पर एक खूबसूरत सी सिनेहरी, और यहाँ होगा। अच्छा हो भैया आप आ गए, कलर खत्म हो गया है, मंगवा लीजिएगा। भाई 2 मिनट आए। अरे सुनो भाई। जी भैया बोलिए। तुम तो फोटोग्राफी करते हो ना? हाँ भैया, लेकिन आपको कैसे पता?
तो फोटोग्राफी छोड़कर ये सब क्या? भैया जब वेडिंग सीजन होता है तो फोटोग्राफी कर लेते हैं, और नहीं होता है तो ये सब। लेकिन भैया आपने बताया नहीं कि आपको कैसे पता है कि मैं भी फोटोग्राफर हूँ। शायद कहीं देखा है तुम्हें, एक्चुअल में मैं भी फोटोग्राफर ही हूँ। लेकिन आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। आप भी फोटोग्राफर, मैं भी फोटोग्राफर, फिर हम दोनों में फर्क क्यों? फर्क? तुमने बचपन में वो कहानी तो सुनी होगी ना, दो बंदरों का एक छोटी सी रोटी के टुकड़े के लिए आपस में लड़ना, और उसका फायदा उठाया एक बिल्ली ने। हम फोटोग्राफर की जिंदगी भी उन्हीं दो बंदरों की तरह हो गई है। हम काम के लिए आपस में लड़ते रहते हैं और उसका फायदा उठाती है वो पार्टी। तुम फर्क की बात कर रहे हो ना, ये फर्क तुम जैसे लोगों ने ही बनाया। हर बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, मगर तुम जैसे लोगों के कोई रूल्स नहीं। तुम जैसे फोटोग्राफर पार्टी के रूल्स पर काम, बिना सोचे समझे जो फायदा तुम्हें होना चाहिए तुमने हमेशा दूसरों को दिया। तुम जैसे फोटोग्राफर की वजह से फोटोग्राफर और फोटोग्राफी दोनों का ही नाम बदनाम हुआ है। अपने काम की सही कीमत पहचानो मेरे दोस्त। जिस दिन तुम्हें अपने काम की कीमत की सही पहचान हो जाएगी, उस दिन इस फर्क की भी पहचान हो जाएगी। और हाँ, मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दिया। अपने हुनर को पहचानो, ये फर्क भी मिट जाएगा। पहचानता हूँ? पहचान तो मैंने अपने काम की है, अपने आप की है, अपने हुनर की है। इसीलिए मैं आज गर्व से कह सकता हूँ आई एम ए फोटोग्राफर।